नमस्कार, मैं सत्येंद्र गिरी। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गिरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मैं हमेशा चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बना करके आप सबके समक्ष उपस्थित होता रहूं, किंतु संसाधनों के अभाव में मेरा ये कार्य अपूर्ण रह जाता है। आजकल देश के गोदी मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया में महासंग्राम सा छिड़ा हुआ है, वो भी हिडन वर्ग की एक रिपोर्ट को लेकर के। जिस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसी वक्त हिडन वर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट होती जा रही है और इसका परिणाम ये है कि अडानी ग्रुप दिन प्रतिदिन लॉस में चलता जा रहा है। अब तक बता दें कि अडानी ग्रुप का शेयर गिरकर 58,000 करोड़ की कमी आई है। हिडन वर्ग ने अपने रिपोर्ट में साफ कहा है कि अडानी वर्ग ग्रुप के शेयरों में इस तरीके का उछाल आना और इस तरह की गिरावट आना बेशक एक अनिश्चितता की मात्रा को बढ़ावा देना है। शेयर मार्केटिंग के हिसाब से अडानी ग्रुप ने साल 2020 में अपने शेयरों और निवेशकों को तमाम तरीके के फैसिलिटीज दिए थे, LIC, अंबुजा और तमाम तरीके की कंपनियां अडानी ग्रुप के अंडर में कार्य करती हैं और उनके शेयरों और निवेशकों के द्वारा उन्हें चलाया जाता है। किंतु आज ये परिणाम ऐसा क्यों उपस्थित हुआ कि लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट होती जा रही है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने NDTV इंडिया को अपने ज़्यादा शेयर दे करके 56% शेयर खरीद कर उस पर अपना स्वामित्व हक हासिल किया और आज NDTV इंडिया के शेयर में भी लगातार कमी होती जा रही है। इसके पीछे का परिणाम क्या है कि लगातार अडानी ग्रुप धीरे धीरे लॉस में ही चलता जा रहा है। देश के बड़े बड़े पत्रकार हिडन वर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा करने से कतरा रहे हैं। वो केवल अपने न्यूज़ चैनल पर हिंदू मुस्लिम और मजहब मंदिर करने में लगे हुए हैं। खास करके कुछ ऐसे न्यूज एंकर हैं जिनके विषय में मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि वो केवल देश में अराजकता का माहौल फैलाने में संलिप्त हैं। मुख्य मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और हर प्रोडक्ट पर GST का भाव बढ़ जाना है, इस मुद्दे पर कोई पत्रकार या कोई न्यूज चैनल चर्चा करने के मूड में नहीं है। उनको तो केवल दिख रहा है 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पार जाएगी और कितने सीट जीतेगी। बस आकाशवाणी के जरिए उन सब बयानात और सवालात पूछने के हक को केवल और केवल ये सरकारें ही देती हैं और कोई दल नहीं देता है। बस यही सब रिपोर्ट बाकी रह जाती है कि वो जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाए और किस तरीके से उनके मनोभाव के साथ छेड़छाड़ करें। एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने कई बयानों में साफ जाहिर किया है कि हम रहें या न रहे, किंतु भारत में लोकतंत्र यदि जीवित रखना है तो विपक्ष को मजबूत रखना अति आवश्यक है। अटल बिहारी वाजपेयी पेशे से अंतर्राष्ट्रीय कवि थे। मानव चेतना और मानव मनोभावों को भली भांति भापने का उनमें गुण था। जिस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतनी सुर्खियां बटोरती है, उनके एक कदम बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। अटल बिहारी वाजपेयी आज यदि हम सबके बीच होते, वो खुद शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लेते कि हमने जिस राजनीति और जिस शासन का सपना प्रति फला और फूला देखा था वो धीरे धीरे कैसे टूटता जा रहा है।